देखिए इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे तरीके जो हमारी स्किन को प्रीमेच्योर रिंकल्स यानी वक्त से पहले पड़ने वाली झुर्रियों से बचाते हैं. कीप वॉचिंग. बिलीव इन योरसेल्फ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं. बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो, और ख़ासतौर से मुझे अंदाज़ा भी होता है कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं या मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं. तो जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जिसमें मेरे बहुत सारे साथी परेशान थे कि वो वक्त से भी पहले उनकी प्री मेच्योर एजिंग शुरू हो गई है, वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़े लगने लगे हैं. दैट्स नॉट गुड, क्योंकि एज का जो प्रोसेस होता है एजिंग का, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और वक्त के साथ साथ वो चलता रहता है और ग्रेसफुली एज करना चाहिए. और लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि प्री मेच्योर एजिंग हो, यानी वक्त से पहले एजिंग के जो हैं असरात वो नुमायाँ होने लगे. तो एजिंग का जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, चलता रहता है, उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको कुछ नेचुरल तरीक़ों से, कुछ अपने आदतों से, कुछ ऐसी चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करके हम उसे स्लो डाउन या हम डिले ज़रूर कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि नेचर ने पैदा की हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए. और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, हमारी सेहत, हमारी खूबसूरती, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है. तो इनका शुक्र अदा करना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए. और ऐसे बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम इनका ख्याल रख सकते हैं. तो फिर हम क्यों उन आर्टिफिशियल और ख़तरनाक तरीक़ों की तरफ जाएँ जिनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत नुकसान होता है हमारी स्किन को उनका लॉन्ग टर्म में. तो आज मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे तरीके शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखे हैं कई सालों से, और मुझे उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे उनका बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले हैं उनके. तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे बहुत सारे तरीके जो हमें प्री मेच्योर रिंकल्स यानी वक्त से पहले जो फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन हमारी ख़राब होने लगती है, उनसे बचाएंगे. तो लेकिन वो शेयर करने से पहले एक दफ़ा फिर थैंक्स करती हुई चलूँ आपका कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को. लेकिन अब तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आप मेरी जो आपके कमेंट्स पर बेस करती हुई जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, उनमें से कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए. और साथ ही मुझे गजल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा. तो अब देखिए वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप प्री मेच्योर रिंकल्स से बच सकते हैं. लेकिन प्लीज़ ये मैं ऑनेस्टली बताती हुई चलूँ कि ऐसा कोई जादू नहीं होता कि एक आज आपने कुछ किया और सुबह जब आप उठेंगे तो सब के फेस से जो है रिंकल्स हट चुके होंगे. अगर ऐसा कोई दावा करता है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको परसिस्टेंट रहना पड़ता है, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है. तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा. लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके हैं, ना इनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, इनका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है. तो देखिए वो कौन से हैं. अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ बहुत ही मज़ेदार तरीकों की तरफ जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन उनसे हमारी स्किन पर रिंकल्स बहुत पड़ते हैं. एक तो गलत साइड पर सोना, यानी कि तकिए पर मुंह के बल सोना. हम बहुत सारे लोग होते हैं जो तकिए पर बिल्कुल मुंह नीचे करके सोते हैं, उससे पूरी रात जब हम करवटें बदलते हैं, फेस को टर्न कर रहे होते हैं, तो हमारी स्किन पर रिंकल्स पड़ते हैं. और ऐसा रोज़ाना अगर यही हैबिट रहती है तो रोज़ाना करते 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 हमारी स्किन पर जो रिंकल्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं. तो कोशिश करें अब बैक पर, यानी कि अपने पीठ के बल अगर सोएं, फेस आपका ऊपर हो तकिए पर, तो बहुत अच्छा है, ये सबसे बेस्ट है पोजीशन सोने की. लेकिन अगर इसकी आपको तो ज़रा सा डिफ़िकल्टी होती है, आपको करवट लेके सोना अच्छा लगता है, तो साइड पे सोएं, बिल्कुल मुँह के बल ना सोएं अगर आपको रिंकल से बचना है तो. इसके अलावा जो कॉटन का पिलो कवर होता है ना, जैसे तकिया गिलाफ, बहुत ही रफ़ कपड़े का होता है, उससे भी हमारे स्किन पर रिंकल्स पड़ते हैं. तो कोशिश करें सोने के लिए स्पेशली एक बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का, बहुत ही सिल्क के कपड़े का आप एक तकिया गिलाफ बना लें, पिलो कवर बना लें, उस पर आप अपना सर रख के सोएं, तो उससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट रहेगी. आप करवटें बदलेंगे, फेस को टर्न करेंगे, तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी और उस पर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे. इसके अलावा अपने फेस को ओवर वॉश ना करें, यानी कि कुछ लोगों की आदत होती है बार बार अपने फेस को धोने की. उससे क्या होता है कि हमारी फेस के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो बहुत डैमेज होते हैं, उसकी वजह से बहुत रिंकल्स पड़ते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन. तो कोशिश करें कि दिन में दो दफ़ा से ज़्यादा फेस को ना धोएं, और जब आप फेस को धो भी लें तो उसके बाद स्किन को ड्राई बिल्कुल ना छोड़ें, उस पर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लें, और कुछ नहीं तो कोकोनट ऑयल ही थोड़ा सा लेकर उसे लगा लिया करें. फेस को जब हम धोते हैं तो हमारा जो तौलिया होता है वो समटाइम्स बिल्कुल फ्रेशली जब धुला हुआ होता है तौलिया तो वो बहुत टॉवल बहुत रफ़ ज़रा होता है. तो
उसकी वजह से हमारी स्किन पर, और उसको हम स्पेशली ज़ोर ज़ोर से जब रगड़ रहे होते हैं, अपने फेस को साफ कर रहे होते हैं ना, पोंछ रहे होते हैं, आई मीन वाइप कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे रिंकल्स हमारे स्किन पर पड़ जाते हैं. कोशिश करें आप जिस टॉवल से अपना फेस को साफ कर रही हैं वो बहुत सॉफ्ट हो, और उसको सिर्फ टैप करें, हल्का हल्का सा टैप करें. और अगर मुमकिन हो तो नैपकिन्स, जो टिश्यू पेपर्स होते हैं, वो बहुत बेस्ट होते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं. उसको हल्का हल्का टैप करते हैं, उससे आप एक्नी, दाने, कील, मुहासों से भी बचे रहेंगे, पिंपल से बचे रहेंगे. और रात को सोने से पहले स्पेशली जब फेस पर मेकअप लगा होता है, क्योंकि मेकअप में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोना है. चाहे आपको कितनी नींद आ रही हो, आपको फेस को धोकर साफ करके उस पर कोई मॉइस्चराइज़र लगा के फिर सोना है, अगर आपको रिंकल से बचना है तो. हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा आपको स्किन को एक्सफोलिएट करना है, यानी कि जो स्क्रबिंग करते हैं हम, उससे अपनी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करना है. उससे भी आपकी स्किन पर रिंकल्स जो हैं वो बहुत जल्दी नहीं पड़ेंगे. लेकिन मेक श्योर कि एक्सफोलिएशन के बाद, यानी स्क्रब लगाने के बाद, फेस धोने के बाद, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें, कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं. हफ्ते में एक दफ़ा अपनी स्किन पर टाइटनिंग मास्क ज़रूर लगाया करें, उससे भी आपकी स्किन टाइट होगी और रिंकल्स से आप बचे रहेंगे. वो एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने इंस्टेंट ग्लोइंग मास्क आपके साथ शेयर किया था, बहुत अच्छा मास्क है वो भी स्किन के रिंकल्स के लिए भी, तो उसमें पूरा तरीका है किस तरह से वो मास्क बनेगा, किस तरह से लगेगा. तो उस मास्क को हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर लगा लिया करें, उससे भी आप रिंकल्स से बचे रहेंगे. अगर किसी की नज़र ख़राब है, आईसाइट वीक है, चाहे करीब की या दूर की, तो बजाय स्ट्रगल करने के, आँखों को यूं यूं करके देखने के, क्योंकि जब बार बार हम यूं देखते हैं तो वो जो रिंकल्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं, तो आप ज़रूर अपनी नज़र का चश्मा लगा लिया करें. एक हमारी और आदत जो हमें रिंकल्स की तरफ ले जाती है वो ये कि अक्सर हम हाथ यूं रख के बैठे हुए होते हैं और स्किन खिंच रही होती है, रिंकल्स बन रहे होते हैं यहाँ पर यूं करके बैठे होते हैं. उसकी वजह से बार बार करते 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 ये रिंकल्स परमानेंट हो जाते हैं. तो अगर रिंकल से बचना है तो यूं या यूं रख के ना बैठें और थोड़ी सी अपने हैबिट्स को चेंज करें. से नो टू सिगरेट, क्योंकि सिगरेट्स की पीने की वजह से हमारी स्किन की जो आउटर जो लेयर होती है उस पर जो वेन्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, नैरो डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं पहुंचता हमारी स्किन पर और सही न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकते हमारी स्किन को, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग करती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं. तो सिगरेट बहुत ख़राब है स्किन के लिए, प्लीज़ सिगरेट की आदत से छुटकारा पा लें. अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब हम अपने फेस पर मसाज करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो बहुत ही हार्ड तरीके से मसाज कर रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से स्किन को रगड़ रहे होते हैं, ज़ोर ज़ोर से खींच रहे होते हैं स्किन को. दैट्स वेरी रॉन्ग. हमारी स्किन पर बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ढीली हो जाती है. तो स्किन पर हमेशा अपने जो फिंगर्स हैं हमारी, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इनसे बहुत कम प्रेशर लगता है. इनसे बिल्कुल हल्के हल्के जेंटली आप अपने स्किन पर मसाज किया करें, अपनी स्किन को डैमेज ना करें. इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप रिंकल से बचे रहेंगे. आखिर में एक बहुत बड़ी वजह, स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा, और गुस्से की वजह से हमारे यूं करके हम बैठे होते हैं, यहाँ पर सारे रिंकल्स पड़ रहे होते हैं, और ये आदतें हमारी जो है वो मुस्तकिल करते 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 ये परमानेंट हो जाती हैं. तो कोशिश करें गुस्से में ना आया करें, ज़्यादा खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, और छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो किया करें, दरगुजर किया करें, माफ़ कर दिया करें. इससे आप खुद खुश रहेंगे, आप रिंकल से बचे रहेंगे. डाइट, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आप फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें ये सब निकालें, उसकी जगह आप सब्ज़ियाँ, फ्रूट ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, और वो सब्ज़ियाँ और फ्रूट जो मौसमी होते हैं, ख़ास तौर से वो जिनका कलर बहुत डार्क होता है, जैसे हरी सब्ज़ियाँ होती हैं, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, गाजर, और वो फ्रूट्स जिनका रंग बहुत डार्क होता है. बहुत ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे महंगे फ्रूट्स खाएं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ख़ास तौर से सिट्रस, यानी कि वो फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, लीमू. अगर ऑरेंजेस महंगे हैं तो रोज़ एक ग्लास में लीमू निचोड़ के पिएं. आपको विटामिन सी लेना है, ताकि विटामिन सी जो है वो हमें हमारी स्किन के अंदर कॉलेजन प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. कॉलेजन वो होता है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, इलास्टिसिटी जो पैदा करता है वो होता है. होल व्हीट चीज़ें खाएं, रिफाइंड चीज़ें ना खाएं, जैसे आटा होता है ना, बिल्कुल साफ सुथरा रिफाइंड आटा होता है सफ़ेद, वो ना खाएं, उसके अंदर जो होल व्हीट आटा होता है वो खाएं. आप सीड्स खाएं, नट्स खाएं, ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे महंगे खाएं, आप अलसी के बीज जो होते हैं, फ्लैक्स सीड्स, वो बहुत अच्छी हैं, वो खाएं. आप चिया सीड्स खाएं. बहुत सारे
ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन के रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं। तो अगर वो आपको खाने को दिल नहीं करता तो आप उसकी स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। मैं वो सारे ब्लेंडर में डाल देती हूँ और स्मूदी बनाकर पीती हूँ। इस तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स आराम से मेरी बॉडी में जाते हैं। डिहाइड्रेशन बहुत एक बड़ा सबब है, तो इसके लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। गर्मियाँ हैं, कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी बहुत ज़रूरी है। और अगर पानी का टेस्ट अच्छा ना लगे तो उसके अंदर कोई थोड़ा छोटा सा ऑरेंज का टुकड़ा डाल दें, उसकी एक स्मेल और उसका टेस्ट आ जाएगा। कोई सब्ज़ी काट के, खीरा काट के डाल दें, पुदीना काट के डाल दें पानी के अंदर, उस तरह का पानी पिए। जब रात को सोते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल सुकून में होती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिस्टम जो है वो सो चुके होते हैं। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो सारी लग जाती है हमारे सेल्स को रिपेयर करने में। तो जब रात के वक्त जो सेल्स रिपेयर होते हैं बहुत अच्छी तरह से रिपेयर होते हैं, और अगर हमारे सेल्स सही तरह से रिपेयर होते हैं तो हम जब सुबह उठते हैं, आपने नोट किया होगा, आपकी स्किन फ्रेश होती है अगर आप सही नींद लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है नींद 7 से 8 घंटे कम से कम। बाहर जब भी आप जाएं तो अच्छी तरह से सनस्क्रीन अपने हाथों, पैरों, अपने चेहरे पर जो एक्सपोज हो रहा है एरिया, उस पर ज़रूर सनस्क्रीन या सन ब्लॉक लगा कर जाएं। तो इससे आप झुर्रियों से बचे रहेंगे। वरना सन ग्लासेस हम लगाते हैं तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो स्किन बच जाती है हमारी रिंकल से, दूसरा ये होता है कि जब हम आँखों को यूँ करते हैं ना, स्क्विंट करते हैं आँखों को, तो फिर उससे रिंकल्स पड़ने लगते हैं। और हमेशा जो आप एक्शन जो है रेपिटेटिव एक्शन होते हैं ना, जो बार बार करते रहें, जाहिर हम बार बार धूप में जाएंगे बगैर चश्मे के तो बार बार आँखों को यूँ करेंगे, तो ये पढ़ते 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 रिंकल्स परमानेंट हो जाते हैं। तो कोशिश करें बाहर जब भी निकलें सन ग्लासेस ज़रूर लगाएँ। तो ज़्यादा रिफाइंड शुगर और ये जो शुगरी जूसेस होते हैं, बहुत मीठे मीठे शरबत होते हैं, सोडा पॉप्स, इनसे बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि ये प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। इससे वक्त से पहले हमारी एजिंग शुरू हो जाती है ज़्यादा शुगर लेने से। एक्सरसाइज, रस्सी कूद सकते हैं आप, कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं आप, साइकिलिंग कर सकते हैं आप, बच्चों के साथ खेलें, दौड़ें, भागें, ताकि आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़े और जो हमारा ब्लड फ्लो है वो बहुत फास्ट हो हमारा ब्लड सर्कुलेशन। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे सारे सेल्स जो हैं वो नरिश होंगे, उन सबको ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, उससे हमारी कोलेजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हमारे रिंकल्स रिड्यूस होंगे। तो आई एम श्योर आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्री मेच्योर रिंकल्स से बचाएंगी। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और मुझे अब जल्दी जल्दी से कमेंट्स के जरिए बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसके लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है उसे भी क्लिक कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने आपके साथ 10 मुख्तलिफ मेकअप फाउंडेशन शेयर किए हैं और वो तरीका बताया है जिसके जरिए हम अपना बेस्ट फाउंडेशन पिक कर सकते हैं।